हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ बॉब्स। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ पार्ट टू। आपको तो पता है दासेबर का पार्ट वन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाके देख लेना। सो दिस इज़ बिकॉज आपको अगर पार्ट वन नहीं देखेंगे, पार्ट टू डायरेक्ट आएंगे तो पार्ट वन का कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो इंटर रिलेटेड है। तो आप जाके पार्ट वन भी देखिए और पार्ट टू भी यहीं से इंजॉय करिए। थैंक यू। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, आप ये जो मेरा पीछे तालाब देख रहे हैं, एक्चुअली ये दासिया भवन का तालाब है जो कि गोठ तालाब के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे बहुत सारा स्टोरी है। जब दासिया जी यहाँ पे थे, पे एक किस्सा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। किस्सा क्या है कि रथ यात्रा होता है और रथ यात्रा में एक्चुअली दासिया और उनका पत्नी निकलने वाले थे पूरी रथ यात्रा देखने के लिए, बट कुछ कारण टाइम डिले हो गया और वो जा नहीं पाए। तो उनका बहुत मन था कि हाँ रथ यात्रा देखे, तो दासिया ने यहाँ पर आके
सो भाईना एडा केतो बेले जीवो भगवान को पाखो को हमरो 8 9 10 टा भीतर आसी बाबा अच्छा डेली तुलसी आउ हमरो पद्मफुल आउ फुल नडिया एडा डेली जीवो तो एबे मु देखि पाउछी पद्म नाही तो सेति पई केवल फुल जीवो हां फुल जीवो नडिया जीवो हां सो आप देख सकते हैं वो तुलसी ले रहे हैं और वो उनसे भी पूछते हैं उसको डेली कौन लेके यहाँ से जाता है वो भी कुछ उसके बारे में बताते हैं भाई ना। हाँ आमर से जो भुवनेश्वर गोटे आश्रित मंडली अच्छा से मैंने कि पैसा पत्र दे सब कम कर मुझे कम दाम कर तुलसी पत्र तोलुची आउ बाबा आमर सतोष श्री रामशरण दास दैनिक आसिक नहींक्र जा दैनिक से आसिक झड़ तुफान फनि हो सो जहाँ भी हेले आसिक ठीक है धन्यवाद भाई। सो दोस्तों मैं जैसे आपको बता रहा था वो वही वही बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए तूफान हो जाए और कुछ भी हो जाए डेली यहाँ से आके भुवनेश्वर से जो कि उन्होंने नाम बताया दास जी वो आके यहाँ से तुलसी लेके जाते हैं और श्री मंदिर को डेली जाता है तुलसी नारियल कमल का फूल भी लेके जाते हैं। सो आप तो मेरे पीछे ही देख पा रहे होंगे कितना सारा तुलसी का पेड़ है यहाँ पर और ये सब जाता है यहाँ से ओके मंदिर ही जाता है सॉरी। सो आपको तो मैं दिखा रहा था वहाँ पे तुलसी का पत्ता और ये पीछे मेरा कमल यहाँ से जाता है। सो बेसिकली प्लेस बहुत अच्छा है आप पूरी आते हैं तो उनका भक्त के पास एक बार आके यहाँ पे घूम के जा सकते हैं बहुत अच्छा जगह है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर सकते हैं और आपको डेली इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़।